सिकटा प्रखंड के बलथर थाना क्षेत्र आर्य नगर गांव की एक व्यक्ति की मौत थाने में ले जाकर पुलिस की पिटाई से हुई है। वहीं मृतक अनुरुद्ध यादव के घर वालों का कहना है कि उनकी मौत एक सोची समझी साजिश है। वहीं एक गांव के व्यक्ति जिनका नाम विकास कुमार है, जो थाने में दलाली करता है, उसने मेरे पति को जानबूझकर फंसा कर थाना भिजवा दिया और उसकी हत्या करवा दी। वहीं कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि क्या मधुमक्खी के काटने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो हम लोग भी थाना प्रभारी को मधुमक्खी से कटवाएंगे, देखते हैं उनकी मौत होती है कि नहीं। अगर नहीं तो ब्लॉक विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी पर 302 का मुकदमा नहीं होगा तो 72 घंटे के अंदर हम लोग पुलिस अधीक्षक ऑफिस का घेराव करेंगे और न्याय के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि व्यक्ति की मौत मधुमक्खी काटने से हुई है। अभी हम पहुंचे हैं बलथर थाना क्षेत्र आर्य नगर में। यहाँ पे एक बवाल चल रहा है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और यहाँ के SP साहब कह रहे हैं कि मधुमक्खी के काटने से मौत हो गई। हम सोच रहे हैं यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, देख सकते हैं, जहाँ हजारों के बीच में लोग खड़ा हो, एक ही आदमी को मधुमक्खी कैसे काट सकती है? क्या उन लोगों के प्रति मधुमक्खी का बीख नहीं था? बस केवल अनुरुद्ध यादव के प्रति मधुमक्खी का बीख था, इसीलिए काट ली। और प्रशासन कह रही है कि इलाज कराने के लिए हम PSC ले गए सिकटा, लेकिन सरासर गलत है। कहीं ना कहीं प्रशासन के मिली भगत है, जिसके कारण इस निर्दोष व्यक्ति की जान चल गई। और प्रशासन आज होली के त्यौहार के दिन भी, आज तीसरा दिन इनके घर में मातम चल रहा है। यहाँ कुछ कांग्रेस के नेता भी आए, उनसे बात करते, एक बात बताइए, वह हजारों की भीड़ में संख्या थी, एक ही आदमी मधुमक्खी कैसे काटी? कहीं ना कहीं यहाँ सोची समझी साजिश रची जा रही है। ये कंप्लीट रूप से थानेदार के द्वारा और दलाल के द्वारा इस निर्दोष व्यक्ति की हत्या है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, ये कंप्लीट रूप से हत्या है। और उस थाना प्रभारी या उस BDO पे अच्छा 302 का मुकदमा। जो BDO साहब आई थी, कुछ और लोग जो BDO साहब आप आई थी, तो आप लोगों को वहां से बुला के ले गए ना परियोटी? हमने के लगे नानू, आपके मालिक साहब जो आप जो मर चुके हैं, उनको परियोटी बुला के ले गए थी। बाहर से फोन आये हमने के घर ये तारा भाई के थाना में ले गए बालू उनका भाई लगे तो सिकटा गोल गोल हमने के गंज से सिकटा सिकटा गंज से सिकटा गंज से सिकटा लाश ना रहे वहाँ से वनी सन तैयार सुतावर रहे लाश लाश सुतावर छीन के लिया कर लो तो लोग छीन के सुतावल रहे वहाँ सब गोड़ा राती के लाश हमके छपले रही सन अपन थाना पर सारा लोग भाग गई तब आई लोग पुलिस लोग तो हमने के मार के कौन हम मार तेहू पर ना छोड़ लोग गारे ते लोग मार लोग लोग गोरी। देखिए यहाँ पे ये औरत बोल रही है कि इन लोग को ही मारा गया, क्या लेडीज पुलिस द्वारा मारा गया कि जेंट्स पुलिस द्वारा? जेंट्स। सुशासन बाबू आपसे पूछना चाहते हैं हम कि आपके सरकार में महिला पर जेंट्स हाथ उठाने वाला प्रशासन कब से आपने अधिकार दे दिया कि एक औरत जो इनके दर्द भी दिखा सकते हैं जनचार्ज खड़ा होगी तो? देखिए यहाँ पे ये औरत बोल रही है कि इन लोगों को ही मारा गया, क्या लेडीज पुलिस द्वारा मारा गया कि जेंट्स पुलिस द्वारा? सुशासन बाबू आपसे पूछना चाहते हैं हम कि आपके सरकार में महिला पर जेंट्स हाथ उठाने वाला प्रशासन कब से आपने अधिकार दे दिया कि एक औरत जो इनके दर्द भी दिखा सकते हैं जनचार्ज खड़ा होगी तो? हाँ ठीक है ठीक, फोटो ले फोटो ले दिखाओ दिखाओ थोड़ा सा और इसको कर दीजिए नीचे थोड़ा सा फोटो ले ले ना जी ठीक 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 ठीक। एक औरत पैर का मालिक वो देखिए पैर इनके पैर पे भी चोट लगा है, कहीं ना कहीं डंटा से वार किया गया है। कितने बच्चे हैं आपके चाचा? कितने बच्चे हैं आपके? चार को बेटा को बेटी
खेत बाड़ी कुछ नहीं है आप लोग, कहाँ से शादी होगा, कहाँ से परवरिश चलेगा, कहीं ना कहीं। देखिए इस लड़की का शादी है, इस लड़की का शादी भी होने वाला है कुछ बाबू कहने पड़े बेटा। तो अच्छा तुम्हारे पापा जी के साथ क्या हुआ था, तुमको कुछ पता है? बोला के ले गया मर दलो। अच्छा क्या बोला के ले गया था? कहीं ना कहीं दलाली थाना में चल रहा है और दलालों के द्वारा थाना चला रहा है, क्योंकि थाना प्रभारी थाना नहीं चल रहा है, क्योंकि दलाल जब तक नहीं रहेंगे थाना चल भी नहीं करेगा। एसपी साहब आते हैं और कहते हैं का ऐसा कुछ नहीं है, और जो थाना में आग लगा था, गाड़ी उड़ जलाया गया था क्या, इसमें भी लोग कहा जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा आग लगाया गया। लोग कह रहा है कि जो थाना में आग लगा था, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा जो भी बोलेगा सत्य ही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये अभी भी राजनीति कवर थाना से दूर है, ये हकीकत बोलेगा। बाबू तोरा जब थाना में आग लगा रहे, तोरा घर को लोग लग रहा है कि वह लग रहा है? देखिए अपने बचने के लिए अपना ही क्षति किया लोग, जिसमें एक हवलदार की भी मृत्यु हो गई, और कुछ अभी तक तो न्याय नहीं मिला। अभी भी इस गांव के लोग गांव छोड़ के कहीं ना कहीं दूर छिपे हुए हैं, केवल एक दो बुजुर्ग गांव में है और कुछ महिलाएं जो दिख रही हैं, जो बुजुर्ग हैं यही गांव में दिख रही है, दूसरा कोई यहां पे नहीं। अभी आप बोले हैं कि 72 घंटा के अंदर अगर वीडियो और थाना प्रभारी में 302 का मुकदमा नहीं होता है तो आप क्या कीजिएगा? हम एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे, एसपी कार्यालय में ताला जड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा उस पर 302 का मुकदमा और उसकी नौकरी बर्खास्ती नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अभी जो पोस्टमार्टम कराया गया है एसपी साहब की निगरानी में देर रात, जबकि नहीं होना चाहिए देर रात पोस्टमार्टम कराया गया, क्या लगता है पोस्टमार्टम का रिजल्ट सही आएगा? जहाँ एसपी साहब और डीएम साहब खुद खड़े होकर किसी चीज़ का पोस्टमार्टम कराएं तो निस्संदेह उनके अपने पक्ष में ही होगा, और अपने अधिकारी को बचाने की ही प्रयास की जाएगी, लेकिन हमारा संकल्प है कि हम इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला के ही दम लेंगे। मतलब आपके कहने मतलब 72 घंटा के अंदर में अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो हम एसपी थाला एसपी ऑफिस घेराव करेंगे, ताला जड़ेंगे, क्या ही ना है? बड़े जंग की तैयारी होगी, आर पार की लड़ाई होगी, ऐसे नहीं चलेगा, नाजीवादी सिस्टम हम चलने नहीं देंगे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, सबको जीने का अधिकार है, और थाने में ले जाके एक निर्दोष व्यक्ति को आप इसकी दोष बताइए ना कि आप क्यों ले जाके इसकी जान ले लिए, इसकी जान लेने की अनुमति आपको किसने दी? यहाँ तो मिले भगत सरकार थी ना, यहाँ कोई चौकीदार था या कोई दलाल था जिसकी बहुत 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 अगर उसने जुल्म कर दिया था बाजा बजा के होली के दिन, तो आप उसको नियम संगत उसको कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज देते, आप उसको पीट के बेरामी से पीट के जान लेने की राइट किसने दिया इस व्यवस्था में, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा एक आप कांग्रेस से, आपका नाम क्या हुआ? यादवेंद्र यादव। क्या है कांग्रेस में, क्या है? मैं सिर्फ एक कांग्रेस नेता हूँ। यहाँ पे जो महिला पे वार किया गया जेंट्स पर, इसमें क्या कहना है आपका? मुझे बड़ी ताज्जुब होती है जहाँ एक निर्दोष व्यक्ति को पीट के दिन दहाड़े सारे लोगों के सामने जान ले ली गई, वहाँ बुजुर्ग महिलाओं पर, बेटियों पर, हमारी बहनों पर उस बेरहमी से, आपने देखा भी जिस ढंग से अत्याचार हुआ है, उसके बारे में पुलिस और महिला पुलिस के बारे में क्या बात करें, वो तो कोई मायने ही नहीं रखता। पूरे गांव में जहां दहशत व्याप्त है, पूरे गांव के लोग गांव छोड़ के भाग जाने पर मजबूर हो गए हैं, आप कौन सा व्यवस्था में ये लोग जी रहे हैं? क्या आप अंग्रेजी शासन फिर ला दिए हैं? देखने से तो यही लग रहा है प्रशासन शासन चल रहा है। आज प्रशासन का शासन चल रहा है, सारे लोग गांव छोड़ के भाग गए हैं, क्यों? सिर्फ बूढ़ी महिलाएं दिख रही हैं, नहीं तो सारे के सारे लोग गांव छोड़ के चले गए। झूठा केस करके बहुत लोगों को अंदर कर दिया गया। अभी 10-11 के हमने संख्या में सुना कि उनकी कस्टडी ली गई है, और अननोन बहुत सारे लोगों पर उन्होंने अज्ञात लोगों पर किया गया, उसकी कोई संख्या नहीं है, अज्ञात लोगों का नाम डाल दिया गया है खानापुट्टि के जरिए। आज के ये राज्य में ऐसा हो सकता है, हम एकदम शॉक में हैं अभी, और हम तो यहाँ खाली न्याय मांगने आए थे, लेकिन ये सब देखते हुए हम एकदम शॉक में चले गए। अभी भी तो गांव में जो भी गांव में अभी वासी है समझिए कि प्राण करके दूसरे जगह चले गए हैं, और कुछ अभी सुविधा नहीं मिलेगी, इस तरह प्रशासन अभी भी धरना दिए हुए हैं, 44 लगाए हुए हैं चौक पे,
और कोई भी व्यक्ति चौक पे जा नहीं रहा है, जिसका भी आई कार्ड चेक हो रहा है। क्या इसमें आप लोग सरकार की तरफ से कुछ? देखिए ये पुलिस का खौफ है और क्या है, यहाँ गांव में आप जाके देखिए सुनसान, गांव में कोई नहीं दिखा है, कोई भी नहीं है गांव, पुलिस ने पूरे गांव को भगा दिया है। ये पुलिस ब्रुटालिटी है और कुछ नहीं। अभी जो मृतक के भाई है हम उनसे बात करेंगे और उनसे उनका जो हकीकत है, मृतक के भाई से हम थोड़ा बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? कन्हैया जाधव। कन्हैया जाधव, जो घटना हुआ है जो आपके भाई के साथ हुआ है, हेलो, जो बहुत सारे चैनल में दिखाया भी जा रहा है और ग्रामीणों द्वारा बताया भी जा रहा है, आपकी जुबानी मतलब कैसे क्या हुआ बताइए। देखिए जब यहाँ पर वो पिकअप लेके आए थे, पिकअप पर डीजे बना हुआ था, डीजे पर बाज भी नहीं रहा था, सिर्फ सही आ रहे थे। अब तक तो थाना की गाड़ी आया और डीएम की गाड़ी आया, वो सिक्टा वाले वीडियो में गाड़ी आया और इनको पकड़ के लेके चले गए थाना में। मतलब बिना कोई केस मुकदमा, कोई केस नहीं था, कोई वारंट नहीं था, सिर्फ ऐसे ही उसको पकड़ के लेके चले गए। लेके गया तो मैं फ़ोन किया तो मेरे भाई का फ़ोन विकास यादव उठाया, उससे पूछे मेरे भैया कहाँ है। अच्छा विकास कौन है, इसका क्या नाम पड़ेगा और इसका बाप का क्या नाम पड़ेगा, इसका कहाँ का रहने वाला है? ये खरसावा का रहने वाला है। अच्छा इसका बाप का नाम है बैजनाथ यादव। थाना में कुछ है या दलाल है? थाना में दलाल है, कुछ नहीं है, कुछ सर्विस नहीं है, थाना का दलाल है वो। अच्छा तो कल जो आप लोग लाश जला रहे थे, चार ही आदमी मिलकर लाश जला रहे थे, वो जो इस विषय में आपके कुछ ग्रामीण भी नहीं गए वहाँ? कोई सारा गांव छोड़ दिया, भाग गया है लोग, डर के मारे पत्थर मार रहा है खाली। जो औरत पे बहुत सारे औरत पे लाठी औरत पर लाठीचार्ज हुआ है। अभी तो वहाँ बोल रहे हैं लोग कि ग्रामीण के द्वारा थाना प्रभारी को मारा गया। नहीं थाना प्रभारी को कोई नहीं मारा, थाना प्रभारी को तो कोई मारिया नहीं है, इसमें विधायक भी आए हुए थे, ग्रामीण आक्रोश में थी और उनपे भी लाठीचार्ज हुआ। आपके द्वारा हुआ था कि थाना के द्वारा हुआ? थाना के द्वारा हुआ था। मतलब जो भी चार्ज हुआ और जो गाड़ी जो जल रही थी, धू धू करके गाड़ी जल रही थी, ये कह रहे लोग कि ग्रामीण ने आग लगाया। ग्रामीण कहाँ से वहाँ से आग लगाया, ग्रामीण तो जा नहीं पा रहा था, थाना के गुआ पर है। R9 भारत के लिए नरकटियागंज से कैमरामैन प्रेम चंद्र शाह के साथ अवधेश गिरी की रिपोर्ट।